ऐसी ऑटो अब नहीं मिलती है देखने, पहले बहुत मिलती थी, हम दो हमारे दो लेकर रहता था आगे और चलती रहती थी। कितने घने घने पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे खाई, कितने बड़े भोलेनाथ। स्वागत है आपका आज के एक और मसालेदार तड़कते भड़कते चटपटे ब्लॉग में। दिन के बज रहे हैं 1:23 और कुछ निजी कारणों की वजह से मैं इतने बजे ही आजकल ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो काम कंप्लीट करके लंच करके मैं घर से बाहर निकलता हूँ। कल का व्लॉग भी मैं लंच करके बाहर निकला था, आज भी लंच के टाइम पे निकल रहा हूँ। मैं लंच नहीं किया हूँ क्योंकि आज सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट लेट हुआ था तो लंच में भूख नहीं लगी है, अभी खा लूँगा तो पेट की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं सोचा बिना खाए जाते हैं, आप लोगों से बातें करेंगे तो शायद पेट में जगह बन जाएगी। मौसम कल के ही जैसा सुहावना हुआ है, अभी अभी बारिश गिर के बंद हुई है, थोड़ा बहुत छत गीला है। बादलों की तरफ आपको दिखाएं तो बादलों की ये स्थिति है। तो फटाफट सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। चलो बंद करो, छत गीला था ना उसीलिए चप्पल उठा के ले चल रहे हैं ताकि सीढ़ी खराब ना हो, झाड़ू पोछा होता है ना तो फिर वो बेकार दिखता है। अब यहाँ पे रख के पहन लेंगे। प्रभी इसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, करल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठीक है, गाय के लिए रोटी ले लिया हूँ। जय श्री राम। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जबलपुर से हूँ, लेकिन जबलपुर से होते हुए भी मैंने कई जगह ऐसी है जहाँ नहीं घुमा हूँ। यदि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं तिलवारा घाट भी अभी फर्स्ट टाइम ही गया था। बात शुरू करने के पहले आपको बता दूं, ये मीटर अपना दिखा रहा है 714 किलोमीटर। अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए अभी दिखा रहा है 714 किलोमीटर। अभी मुझको पता नहीं है कि कितने किलोमीटर तक हम लोग को आगे चलना है और उसके बाद हम रिटर्न आ जाएंगे। जबलपुर में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ मैं नहीं घूमा हूँ। जैसे लास्ट व्लॉग में मैं गया था तिलवारा घाट, आज तक मैं कभी तिलवारा घाट नहीं गया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी तक नेदान फॉल भी नहीं गया हूँ, वहाँ भी पता नहीं कब जाऊँगा। और इसके अलावा अभी तक मैं परियट भी नहीं गया हूँ। आई थिंक परियट इसी रूट पे होगा, नहीं तो हाँ इस रूट से भी जा सकते हैं और एक खमरिया होके भी जा सकते हैं, शायद खमरिया के आगे पड़ता है वो। तो अभी ये दो जगह भी नहीं गया हूँ, और भी होंगी कई जगह, हो सकता है मेरे ध्यान में अभी ना हो। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत अपने सिटी में पहले घूम लिया जाए, उसके बाद बाहर निकला जाएगा। और क्योंकि हमारे चैनल पे अभी उतना सब्सक्राइबर काउंट भी नहीं है तो बाहर जाने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता है। वैसे भी मैंने इस चैनल पे अभी बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, लेकिन आउटपुट मिलने के बाद मैं और इन्वेस्टमेंट्स करूँगा। फिलहाल के तौर पर मेरा वैसा मन नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले सिटी सिटी में ही घूम लिया जाए और खुद भी पहले थोड़ा मजा लिया जाए, तभी तो मैं आपको आनंद दे पाऊंगा। जैसे कल मैं गया था तो रास्ते में ऐसे कई प्लेसेस थे जो मुझको पता ही नहीं था, कई चीज़ें बन रही थी, जैसे एक आईटी पार्क बन रहा था तो वो मैंने कल फर्स्ट टाइम ही देखा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने शहर में ही घूम लिया जाए, उसके बाद बाकी जगहों पर घूमा जाएगा। इस रास्ते पर मैं एक बार ही शायद आया हूँ, मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ मैं आया था, उसका घर है आगे पनागर में, बस उसके बाद शायद आज आ रहा हूँ। उसके अलावा एक बार और इन रास्तों पे मैं दौड़ चुका हूँ, क्रॉस कंट्री रेस शायद उसका नाम था, क्रॉस कंट्री रेस हुई थी उस समय, तो 8 किलोमीटर में दौड़ा था उसमें। ये एक प्रकार से गांव का एरिया है, अभी जैसे जैसे मैं अंदर जाते जाऊँगा आपको पता चलता जाएगा। अरे यार ये पूरा व्यू सामने का ब्लॉक कर रहा है, बहुत सारे आपको कंडे दिखेंगे और तबेले बहुत सारे आगे मिलेंगे, देखने मिलेंगे। मैं जब उतने समय गया था तो देखा था। रास्ते भी यहाँ के उतने अच्छे नहीं हैं, शुरू से ही ऐसे ही रास्ते हैं, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है और गवर्नमेंट चाहे तो इस रास्ते को और चौड़ा कर सकती है, लेकिन पता नहीं किस कारण से चौड़े नहीं हो रहे हैं। इसको पीछे किया जाए क्या यार, आगे का व्यू ये ब्लॉक कर रहा है। वैसे शायद आप देख के समझ सकते हैं कि ये गाँव का एरिया ही लगेगा, या ये हाईवे रोड भी है ना तो स्थिति इसकी ख़राब रहती है, बड़ी बड़ी ट्रकें बसें चलती रहती हैं इन रास्तों पे। कल जब मैं तिलवारा घाट गया था तो वहीं से पेट्रोल भरवा लिया था, तो ये थोड़ा बहुत पेट्रोल दिख रहा है, शायद आज फिर रिटर्निंग में पेट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पेट्रोल डलवाओ कहीं जाओ ख़त्म, महंगा हो गया है पेट्रोल। कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, या फिर आज से पहले की भी अगर मैं बात करूँ तो अगर आपसे कोई पूछे, आज भी पूछे या आज से पहले भी कोई पूछता था
कि भाई क्या चीज़ सस्ती लगती है तुमको, तो कोई नहीं बोलता था कि ये चीज़ सस्ती है। व्यक्ति को हर चीज़ महंगी ही लगती है जब तक उसको वो चीज़ फ्री में ना मिले। जय माँ आदि शक्ति दरबार, जय माता दी। ग्राम पंचायत महाराजपुर, महाराजपुर आ गए हम लोग। वाह, खरपतवार अनुसंधान निषेधालय, निदेशालय सॉरी, ये क्या है, पूरा यहाँ पे खराब करके रखे हैं सब, मिट्टी ही मिट्टी। ऐसी ऑटो अब नहीं मिलती है देखने, पहले बहुत मिलती थी, हम दो हमारे दो लेकर रहता था आगे और चलती रहती थी जब मैं छोटा था तब। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब यहाँ से शायद शुरू होगी कहानी गाँव की। देखिए आप, खेती ही खेती होगी अब यहाँ से, दिखेगी आपको हरियाली, देखिए कितनी ज्यादा है। वाह, दोनों साइड हरियाली है और यहाँ से रोड भी कुछ बेहतर मिली है। अब मिल्क फैक्ट्री है क्या, सांची दूध लिखा हुआ है आगे, हो भी सकती है। देखिए मेरे सामने तबेला, आपको अब समझ में आ जाएगा। गाय बैठी है और एक खड़ी है। यहाँ पे उतने समय में आया था तो बहुत सारे कंडे भी मेरे को देखने मिले थे, अभी शायद अंदर कर दिए होंगे क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। खुशबू लेकिन मेरे को आ रही है, आपको नहीं आ पाएगी वीडियो में, लेकिन मुझको गोबर की खुशबू आ रही है। ले ले ले, चलो भाई हो गया, बस बस माता हो गया, जाइए काम कीजिए अपना, हम भी चलते हैं। कितने घने घने पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, पतली पतली ब्रांचेस हैं और उसके बाद ऊपर जाके पेड़ घने हो गए हैं। ये वाला मोमेंट मुझको याद था, मैं उस समय भी आया था तो मुझको याद था कि ऐसे बीच से निकलेंगे और पेड़ पौधे देखेंगे। वाह, यहाँ ठंड में ना बहुत ठंडी लगती होगी क्योंकि हरियाली ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे खाई, बस मकान चालू हो गए। अब यहाँ से मकान ही मकान आपको देखने मिलेंगे, अब ऐसे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये नज़ारे देख के लग रहे होंगे कि अब गांव में हम लोग एंट्री ले चुके हैं। देखिए गाय कितनी सारी है यार यहाँ पे, जगह जगह पे मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये देखिए यहाँ भी पहले गोबर रखे रहते थे, बहुत सारे कंडे लगा के रखते थे, लेकिन बारिश का मौसम है ना तो सारा चीज़ ये लोग हटा दिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझको गोबर गोबर की खुशबू यहाँ भी आ रही है। ये देखिए इसमें पूरा ये लोग शायद भर के रखे थे गोबर। पनागर पहुंच गए हम, पनागर है मतलब। खेती भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी देखिए कितनी सारी गायें चर रही हैं दाना पानी अपना। देखिए अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में, पनागर की सब्जी मार्केट है, होटल्स भी हैं, कपड़े की दुकान, सारी शॉप्स ही हैं। ये देखिए रास्ते में पूरा अपना कवर करके ये लोग रख लिए हैं, उस चक्कर में रोड पतली होती है और फिर गाड़ी चलाने वालों को होती है प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं अतिक्रमण। इतनी बड़ी दुकान है, दुकान के अंदर रखना चाहिए, ताकि ये है जी कमानिया गेट, यहीं तक हम लोग दौड़े थे और यहीं से मुझको गिफ्ट मिला था जब मैं अपना दिखाया था आपको मार्कशीट, उसमें दिखाया हूँ मैंने 8 किलोमीटर दौड़ा था, तो वही एक सांत्वना पत्र मुझको मिला था सर्टिफिकेट के तौर पर और एक तो सरस्वती जी का फोटो फ्रेम मिला था, तो पुराना हो गया था शायद, टूट गया था तो उसको हम लोग विसर्जित कर दिए। बाकी उस सर्टिफिकेट को मैंने रखा था, तो उस वीडियो मैंने आपको वो दिखाया था अपना सर्टिफिकेट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है, जाके देखिए क्या कर रहे हैं आप यार। तहसील पनागर कार्यालय, यहाँ से जाना पड़ेगा क्या? ऐसी एक रास्ता है जब हम लोग जाते हैं पिपरिया के लिए, वहाँ भी ऐसे सीधा सीधा रूट है, लेकिन वहाँ ये है कि इतनी सारी, अरे वाह यार भोलेनाथ, इतने बड़े भोलेनाथ, अच्छा ये घर में ही बना दिए हैं क्या ये लोग, बहुत बढ़िया। पिपरिया जाते हैं जब हम लोग तो ऐसे ही रास्ते सीधे सीधे देखते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने सारे घर नहीं देखते हैं क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में ना जंगल बहुत है। जब हम लोग ने इस जर्नी की शुरुआत की थी तो यहाँ पे था 714 किलोमीटर, 14, 14, 28, इसका मतलब ये है कि हम लोग 14 किलोमीटर में 2 किलोमीटर कम आ चुके हैं। घर से अगर देखेंगे तो 14 किलोमीटर तो अब तक चल चुका हूँ क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद मैंने ये कैमरा चालू किया था। 726 है, 714 से हमने शुरुआत किए थे। यहाँ से बैक लेते हैं अब, क्योंकि आगे गांव ही गांव है, अब कुछ है नहीं, मुड़ा जाए। अरे वाह क्या नज़ारे हैं यार, खेती देख रहे हैं आप कितनी दूर दूर तक है यहाँ पे, खेती एकदम पूरा अंदर तक है, दिख ही नहीं रहा, घर भी नहीं दिख रहा यहाँ से कुछ, ये आगे कुछ दिखे भी, सिर्फ खेती ही खेती है। इस तरफ भी यही स्थिति है, इस तरफ भी यही स्थिति है, दूर दूर तक सिर्फ खेती खेत नज़र आ रहे हैं, तरफ भी खेती खेत है, घर नहीं है, वहाँ भी एक नहर है जो सूख चुकी है।
ये देखिए पूरा 728 किलोमीटर हो चुका है, अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ रिटर्न। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है और आसपास का नज़ारा आप देख लीजिए, थोड़ा सा खेती खेत है यहाँ पे, थोड़े बहुत घर हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे हैं, सभी तरफ हरियाली है। और यहाँ पे रास्ते के किनारे हम खड़े हैं, पिछले 10 मिनट से यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि पानी पीना था, प्यास लगी थी और पानी वानी पी लिए हैं, अब निकलूँगा यहाँ से सीधे घर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, मिलो। लहसुन प्याज में ऑक्सीफ्लोरोफेन अपनाएं, खरपतवारों से फसल बचाएं।